नमस्कार, बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ जौहरी। बड़ी खबर में आज बात करेंगे बैंकों के पर्दाफाश की। नोटबंदी के बाद लोगों का पैसा न घर में सुरक्षित है और न ही बैंकों में। देश भर में बैंकों के बाहर लोगों की भारी भीड़ लगी है। वहीं दूसरी ओर बैंकों में ही बड़े बड़े घपले भी उजागर हो रहे हैं। कहीं काले धन को सफेद किया जा रहा है तो कहीं अपने फायदे के लिए पुरानी करेंसी को नई करेंसी में बदलकर मुनाफा कमाया जा रहा है। नोटबंदी के बाद नई करेंसी के लिए जहां देश की जनता दिन रात घंटों लाइनों में खड़ी रहती है और जब उनका नंबर आता है तो उन्हें पता चलता है कि बैंक और एटीएम में नई करेंसी खत्म हो गई है, जिसके बाद उन्हें हताश ही अपने घर लौटना पड़ता है। इसके विपरीत बैंक वाले चांदनी कूटने में लगे हैं। पुरानी करेंसी को नई करेंसी में बदलने के लिए जहां मोटा कमीशन लिया जा रहा है तो वहीं काले धन को अंदर ही अंदर सफेद भी किया जा रहा है। अगर हाथी की बात करें तो कॉरपोरेशन बैंक के मैनेजर वतनदीप द्वारा किसान क्रेडिट के खातों में से बिना उनकी इजाजत के लाखों रुपए निकालकर किसानों के साथ कथित तौर पर धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है, जिसके विरोध में किसानों ने बैंक के सामने प्रदर्शन किया और बैंक अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों के साथ हुआ है और बाकी पता नहीं कितने किसानों के साथ हो रहा है। लोग जो एप्लीकेशन लेके आ रहे हैं उनकी बाकी आज भी पेंडिंग पड़ी है। कुछ जो है ना कंप्लेंट अब भी आ रही है। कितनी रकम? लगभग करीब 1.5 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आ चुका है। बाकी कहां तक जाएगा ये कॉरपोरेशन बैंक बताएगा या लोगों की जो बाद में रिपोर्ट आएगी या कोई कंप्लेंट करेगा। और भी बहुत सारे लोग बाकी हैं जिसको अभी तक कुछ लोगों ने पता ही नहीं है कि हमारे साथ बैंक में क्या हो रहा है, जो कि क्योंकि बिजाई का टाइम है, लोग अपने बिजाई में जुटे हुए हैं, बैंक की ओर रुख नहीं कर रहे। आयकर छापे में बड़ा खुलासा। नोटबंदी के बाद दिल्ली के चांदनी चौक मार्केट में स्थित एक्सिस बैंक की शाखा पर आयकर छापे में बड़ा खुलासा हुआ है। आईटी रेड के बाद पता चला है कि 8 नवंबर को नोटबंदी के बाद से इस ब्रांच में 450 करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं। इस मामले में बैंक के 5 अफसर आयकर विभाग के रडार पर हैं। इससे पहले भी एक्सिस बैंक की कश्मीरी गेट ब्रांच के 19 कर्मचारियों पर कार्रवाई हुई थी। वहीं हाल ही में काले धन को सफेद करने के आरोप में एक्सिस बैंक के 2 मैनेजर भी गिरफ्तार हुए थे। आरबीआई का दावा। रिजर्व बैंक ने एक आंकड़ा जारी कर बताया है कि 27 नवंबर 2016 तक बैंकों में लगभग 9 लाख करोड़ रुपए के पुराने नोट जमा करवाए गए हैं। आरबीआई ने देश के सभी बैंकों की ब्रांचों से जांच एजेंसियों को डाटा देने को कहा है। आरबीआई के मांगे गए डाटा में पूछा गया है कि एक दिन में कितने ट्रांजैक्शन हुए और कितने लोग बैंक में आए। साथ ही जिन लोगों ने बैंक से ट्रांजैक्शन किए हैं उनका पूरा रिकॉर्ड बैंक ने जमा करवाया है या फिर नहीं। ईडी और आयकर विभाग की नज़र। ईडी और आयकर विभाग की नज़र देश के लगभग 10 बैंकों की सैकड़ों ब्रांचों पर टिक गई है, जिसमें लगभग 4 लाख करोड़ रुपए सिर्फ शुरुआत के एक सप्ताह में आ गए थे। ईडी की शुरुआती जांच की दिशा 100 ऐसे बैंकों की ब्रांचों पर टिक गई है जिसमें सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन हुए हैं। गिरफ्तार हो रहे हैं बैंक अधिकारी। दिल्ली सहित देश के कुछ बैंकों के अधिकारियों की गिरफ्तारी ईडी के दावे को मजबूत कर रही है। जनधन खातों में जमा हुई भारी रकम की निकासी पर रोक लगा दी गई है। देश के कई बैंकों के ऑडिटर से पूछताछ की जा रही है। जांच एजेंसियां बैंक में जमा डिटेल, बैंक की सीसीटीवी फुटेज, भरे गए फॉर्म की कॉपी सहित बैंक के कर्मचारियों और बैंक के फोन कॉल डिटेल ले रही है। हरियाणा न्यूज के सवाल। बैंकों में घपला तो कहां सुरक्षित है पैसा? क्या बैंक के जरिए सफेद हो रहा है काला धन? क्या घोटाला करने वाले अधिकारियों पर गिरेगी गाज? क्या काले धन कुबेर गिरफ्त में आएंगे? व्यवस्था में खामियों का फायदा उठाकर कई बैंकों में भारी रकम जमा की गई है। अब सरकारी मशीनरी उन खामियों को भी खंगाल रही है। लेकिन सवाल ये है कि भारत में पल पल बदलती राजनीतिक और आर्थिक हालातों के बीच भारतीय जांच एजेंसियां कितनी सक्षम हैं? इन जांच एजेंसियों के पुराने रिकॉर्ड ही इनके खिलाफ गवाही दे रहे हैं। जिन विभागों के पास जांच की जिम्मेदारियां हैं उन विभागों की अलग अलग तरह की समस्याएं पहले से ही मौजूद हैं, जो जांच को ही सवालों के घेरे में खड़ा कर देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो बड़ी खबर में आज हम बात करेंगे इसी मुद्दे पर कि बैंक की कार्यप्रणाली भी सवालों के घेरे में है। लगातार सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार जब बैंक में ही आम आदमी का पैसा सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी अपने आप को कहां महफूज, उसका पैसा कहां महफूज होगा, कहां सुरक्षित होगा। बैंक के कर्मचारी भी धोखाधड़ी कर रहे हैं, घपलेबाजी कर रहे हैं। कई एक्सिस बैंक के ऐसे
शाखाएं हैं जहां पर इनकम टैक्स विभाग की तरफ से छापेमारी की गई, तो तमाम बैंक कर्मी संलिप्त पाए गए पूरी तरह। तो बड़ा सवाल है कि आखिरकार जब बैंक कर्मी ही पूरी तरह कार्य को सही नहीं कर रहे, तो आम आदमी अपना पैसा जमा कराए तो कहां कराए, क्योंकि बैंकों पर लगातार आरोप लग रहे हैं कि बैंक पैसे को जमा करा रहे हैं, उन पर मोटा मुनाफा भी कमा रहे हैं। इसी बीच चर्चा में शामिल करेंगे हमारे साथ अतर सिंह सिंधु, प्रवक्ता भारतीय किसान यूनियन के हैं, हमारे साथ शामिल हो चुके हैं। चर्चा में स्वागत है आपका अतर जी। सवाल यह है कि जिस तरीके से बैंक पूरी तरह काम कर रहा है, कॉरपोरेशन बैंक की बात की जाए, कॉरपोरेशन बैंक का बड़ा घोटाला निकलकर सामने आया है, इसमें कहां तक बैंक अधिकारी जिम्मेदार हैं? पूरी तरह जिम्मेदारी ही कही जाएगी, उनकी गैर जिम्मेदाराना रवैया निकलकर सामने आया है। किसानों का पैसा डकार गए, किसान क्रेडिट कार्ड से पैसा निकाल लिया और उनकी जो गोपनीय जानकारी थी वो भी बाहर निकाल दी गई। पूरे मामले पर एक बड़ा स्कैम काम कर रहा था, किसान आखिरकार कितना सुरक्षित महसूस करे? देखिए सौरभ जी, जब जो जिस हिसाब से देश की जो अर्थव्यवस्था है इस टाइम जो चल रही है, खासकर किसानों के प्रति सरकार का पूरी तरह से रवैया नकारात्मक है। किसान परेशान है, अपना फसल का जो पैसा आड़ती से लेकर आता है उसको जमा कराने के लिए बैंक में जाता है तो बैंक लेने से मना कर देता है। और खासकर फसल बीमा योजना की मैं बात करूं, उसमें जो लोन किसान कार्ड पर मिलता है वो पूरा पैसा एक फसल पर उसको वापिस करना होता है। जब उसके पास पैसे लेके जाता है, खासकर अभी किसान जो पैसे लेकर फसल का जा रहे हैं बैंकों में, तो बैंकों ने कहा उसके आप पैन नंबर लेके आइए। किसी भी किसान के पास, जो जमींदार है, 2 एकड़ का जमींदार है, 3 एकड़ का जमींदार है, किसी के पास पैन नंबर की सुविधा नहीं है। उसको फिर उसको आधार कार्ड से भी जोड़ दिया जाता है, पैन कार्ड भी चाहिए, आधार कार्ड भी चाहिए। चलो पैसा लेकर भी आता है किसी से, आड़ती से लेकर पैसा आएगा, किसी से पैसा उधार लेकर के आएगा, क्योंकि फसल बीमा में ये पॉलिसी है उसको पूरा जो 5 लाख या 4 लाख रुपए किसान कार्ड पे लोन लिया है उसको जो लिमिट मिली है वो पैसा पूरा जमा करना पड़ता है और 2 दिन के बाद उसको वापस मिलता है। जब वो पूरा पैसा जमा कराता है तो बैंक कहता है जी आपको पूरा पैसा वापस नहीं देंगे, आपको 10,000 रुपए वीक के हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। ये बताइए कैसे किसान सर्वाइव करेगा? उसको पैसा लेकर किसी से इंटरेस्ट पे लेकर पैसा वो लिमिट भरने के लिए आया है बैंक में, बैंक उसके बाद उसको पैन नंबर के नाम पर परेशान कर रहा है, दूसरा उसको पूरा पैसा उसको वापिस नहीं दे रहा है क्योंकि उसको तो पूरा पैसा वापिस चाहिए। सिर्फ एक लिमिट सरकार ने बनाई थी, जो पैसा आपने लोन लिया लिमिट लिया उसको जमा करा के अगले दिन वापस करना होता है, जबकि सरकार को ये चाहिए सिर्फ उससे इंटरेस्ट ले। अगर उसने लोन लिया या तो उसकी लिमिट बनाए या फसलाना उससे इंटरेस्ट ले, लोन लिया है उसकी लिमिट एक्सटेंड करता रहे। तो ये पूरी तरह से बैंकों ने ये मान लिया है भाई भोले वाले किसानों को परेशान करना है। तो आपके मुताबिक अतर सिंह जी, ये सवाल है कि पूरी तरह पैन नंबर की सुविधाएं नहीं दी गई है किसानों को, जिसकी वजह से घपला हो रहा है, ये कहना है आपका? देखिए सरकार को पहले चाहिए था, अगर ऐसी कोई सुविधा नोट बंद करने तो किसानों को पहले कहा जाता भी आप पैन नंबर लीजिए अपना। किसी भी किसान के पास पैन नंबर नहीं है, पैन नंबर के नाम पर उसको धमकाया जाता है, उससे बैंक अधिकारी परेशान करते हैं उसको लोन भरने के टाइम पे और पूरा पैसा वापस करने के लिए मना करते हैं। सरकार को चाहिए अगर पैसा जमा कराया जाता है उसे तो तुरंत अगले दिन उसका जैसे पैसा लिया गया उसी आधार पर उसको पैसा वापस किया जाए। जब उससे इंटरेस्ट लिया जाता है एक दिन का, जो पैसा बैंक में देगा उसका इंटरेस्ट कौन देगा? दूसरा, जो लोन उससे दिया जाता है उसमें मेरे पास कुछ आंकड़े हैं उस पर। अभी उसका एक फसल जो अक्टूबर में जैसे हमारी चावल की फसल आई तो उसमें पैसा जमा करना होता है, बैंक अपनी कैलकुलेशन करता है अप्रैल टू मार्च, उसके आधार पर उसको पेनल्टी चार्जेज, इंटरेस्ट चार्जेज और इंस्पेक्शन चार्जेज के नाम पे अलग अलग पैसा लिया जाता है। जैसे मैं 4 लाख के लोन का आपको आंकड़ा पेश करूंगा, उसको पेनल्टी चार्जेज के नाम पे 562 रुपए लिए गए, बिल इंस्पेक्शन के नाम पर उस पर 173 रुपए लिए गए, जबकि हर छठे महीने में उस पर इंस्पेक्शन चार्ज और पेनल्टी चार्जेस उसको लगा दी जाती है। तो ये 7% की जो स्कीम सरकार ने चलाई है ये पूरी तरह से 15-16% किसान से पैसा लिया जाता है, क्योंकि किसान भोला भाला उसको कैलकुलेशन करने का अंदाजा नहीं है ना उसको कैलकुलेशन करनी आती। तो आपका कहना है जो सरकार ने जो स्कीम चलाई है वो पूरी तरह किसान विरोधी, पूरी तरह किसान विरोधी है? जैसे इसी पर बिल्कुल इसी पर मैं सवाल आपके सवाल का जवाब ले लेता हूँ। संजय शर्मा हमारे साथ प्रवक्ता है बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय जी स्वागत है हरियाणा न्यूज में आपका, आवाज आ रही है आपको? जी नमस्कार जी। संजय जी साफ तौर पर हमारे साथ स्टूडियो में लाइव मौजूद हैं अतर सिंह संधु जी, प्रवक्ता हैं भारतीय किसान यूनियन के। उनका ये कहना है कि केंद्र ने जो साफ तौर पर जो योजनाएं चलाई हैं, बात की जाए 6 महीने के अंदर स्कीम चलाई है, इंस्पेक्शन चार्जेस, पेनल्टी चार्जेस, वो किसानों को धोखाधड़ी दी जा रही है, उसको परेशान किया जा रहा है क्योंकि पढ़ा लिखा किसान नहीं होता। केंद्र इस स्कीम को बंद करे क्योंकि किसानों के पास इतना समय नहीं होता कि वो कैलकुलेशन करे, इतने लिटरेट भी नहीं होते, पढ़े लिखे भी नहीं होते हैं जो वो इन चीजों को कैलकुलेट कर पाए, उनसे अंधाधुंध केंद्र की तरफ से वसूला जा रहा है, कैसा है? देखिए सौरभ जी, अतर सिंह जी ने कुछ सवाल उठाए हैं, कुछ शंकाएं जाहिर की हैं।
बहुत सी शंकाएं, बहुत से सवाल इनके जायज भी हैं, लेकिन सारे जायज नहीं है। देखिए, भारत को अगर दुनिया की विश्व शक्ति को बनना है, भारत को दुनिया का सिरमौर बनना है, तो उसके लिए कोई ना कोई तो कदम उठाने पड़ेंगे। धरने पे चल करके आप दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर या दुनिया से आगे नहीं बढ़ सकते। कुछ ना कुछ तो क्रांतिकारी बातें, कुछ ना क्रांतिकारी कदम आपको उठाने पड़ेंगे। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब सत्ता में आई थी जी, तो हमने यही इस देश के लोग नागरिकों को वायदा किया था कि हम भारत को दुनिया का सिरमौर बनाने की दिशा में काम करेंगे। नरेंद्र मोदी जी ने उन सब बातों को ध्यान में रख के ही ये नोटबंदी का जो शुरू किया है, मामला किया है, नोटबंदी लागू की है, उसके पीछे मोदी जी की यही सोच है। हम चाहते हैं कि इस देश के किसान पढ़े लिखे हों, देश के किसान समझदार हों, लेकिन इसको होने में कुछ समय लगेगा। तो जो बातें अतर सिंह जी ने उठाई है वो सारी बातें सच नहीं है। देखिए, आज 10 दिन के अंदर पैन कार्ड घर में आ जाता है। पैन कार्ड लेने के लिए कोई महीनों इंतजार नहीं करना पड़ता। पैन कार्ड लेने का मतलब ये नहीं है कि किसानों के ऊपर इनकम टैक्स लगा दिया जाएगा। उससे सिर्फ यही होगा कि हर व्यक्ति कम से कम उसकी अकाउंटेबिलिटी हो, उसका पैसा कहाँ से आ रहा है। अगर कोई जिम्मेदार है, किसान ही है, बहुत से लोग इस देश के अंदर किसानी के नाम पर ब्लैक मनी बना रहे हैं। बिल्कुल, कहने के लिए किसान है, लेकिन उनके दूसरे धंधों से काली कमाई जो होती है वो किसानी के नाम पर उसमें खपाते हैं। इसलिए संजय जी, आम किसान से अलग करना जी सरकार की सोच है। संजय जी, आपके इस सवाल पर प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा, अतर सिंह जी के कुछ कहना चाह रहे हैं वो। अतर जी बताइए। संजय शर्मा जी, भारत का किसान बीजेपी विरोधी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विरोधी नहीं है। मेरा मानना है जो सरकार ने कदम उठाए अच्छे उठाए, लेकिन इसको सोच करके किसानों को हित को देखते हुए इन्होंने अलग योजना बनानी चाहिए थी। अगर पैन कार्ड की स्कीम थी, पैन कार्ड की एजेंसियों को गांव में बैठाना चाहिए था। किसी किसान को ये नहीं पता पैन कार्ड कैसे बनेगा, ना वो गाँव में इंटरनेट की सुविधा है कि ऑनलाइन अप्लाई कर सके पैन नंबर। हम कोई सरकार का, जो सरकार ने जो स्कीम की है पैसा जो चेंज करने की, हम इसका समर्थन करते हैं, लेकिन सरकार की योजना किसानों तक नहीं पहुंच रही है। किसानों के साथ जो बैंकर हैं वो बिल्कुल धांधली कर रहे हैं, किसानों को धोखे में रखा जा रहा है। आपका जो जवाब है वो मैं समझ गया कि सरकार की योजना किसानों तक नहीं पहुंच रही, बीच में धांधली हो रही है। प्रतिक्रिया ले लेते हैं संजय शर्मा जी से, क्योंकि केंद्र में इनकी सरकार है। संजय जी, मैं कृष्णमूर्ति हुड्डा जी के पास भी जाऊंगा, हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता बने हुए हैं, लेकिन उससे पहले आपसे प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा, योजनाएं किसानों तक क्यों नहीं पहुंच रही, क्यों किसान मूलभूत योजनाओं से महरूम हो रहा है, क्या सिस्टम में कहीं कमी है? नहीं सौरभ जी, ऐसा नहीं है। जितने भी बैंक है सब जगह पर इस तरह की सुविधाएं उपलब्ध करा दी गई है, और ये नहीं है कि किसान से पैन कार्ड लेकर ही पैसे जमा करवाए जाएंगे या निकलवाए जाएंगे, ऐसा नहीं है। वो अन्य अपनी आइडेंटिटी देकर के भी सब कुछ कर सकता है। ये तो नोटबंदी के कारण से ज्यादा पैसा वो निकालने की स्थिति में आज नहीं है, बैंक ज्यादा पैसे देने की स्थिति में नहीं है। लेकिन 30 दिसंबर के बाद, जैसा नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 30 दिसंबर के बाद चीजें और नॉर्मल होंगी। किसान को हमने केवल ये कहा है कि कुछ दिन का समय आप सरकार को दें, आपको जो दिक्कतें हुई हैं उसके प्रति हम आपके साथ खड़े हैं, और हम आपका धन्यवाद भी करते हैं, देश की जनता का भी धन्यवाद करते हैं कि सरकार के इस कदम को सराहा और सरकार का इस काम के लिए सहयोग दिया। किसानों को भी परेशान करने का कोई इरादा सरकार का नहीं है, केवल ये कहा गया है कि आप अपने सिस्टम में आइए और सिस्टम से आगे बढ़िए, इसके अलावा और कोई नहीं है। हाँ, फिर भी कुछ शंकाएं होंगी तो उनका भी निराकरण करने के लिए सरकार तैयार है। बिल्कुल संजय जी, आपने जो कहा, एक सिरमौर वाली बात कही कि भारत को आगे बढ़ाना है साफ तौर पर, लेकिन बैंक कर्मियों की कार्यप्रणाली भी सवालों के घेरे में आ रही है। तमाम बैंक ऐसे हैं जहां पर आयकर विभाग ने छापेमारी की है और वहां पर बैंक कर्मी ही काले धन को सफेद करने में लगे हैं। पूरी तरह सरकार कहीं ना कहीं सिस्टम पूरी तरह इसमें अभी कार्य नहीं कर पा रहा है। योजना किस तरीके की बनाई गई है, आपकी प्रतिक्रिया लूंगा। कांग्रेस के प्रवक्ता कृष्णमूर्ति हुड्डा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कृष्णमूर्ति जी, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी, आवाज आ रही है, धन्यवाद जी। कृष्णमूर्ति जी, सिस्टम का फेल्योर माना जाए या फिर किसानों को जो समस्याएं हो रही हैं नोटबंदी के बाद, पूरी तरह बैंक जो है, बैंक के तमाम कर्मी, एक्सिस बैंक पर भी छापेमारी की गई, कई बैंक ऐसे हैं जहां पर कर्मचारी काले धन को सफेद करने में लगे हैं, इस पर आपकी राय? पूरे देश को आज इन्होंने सड़कों पर ला दिया है, और जो देश हमने बनाया था 60 साल में उसका भट्टा बैठा दिया इन्होंने। आज ऐसी हालत कर दी है कि लोग भुखमरी के कागार पे आ चुके हैं, और रुपया जो हमने 58 रुपए पे छोड़ा था रिकॉर्ड गिरावट पे है। जैसे रुपया गिरता है देश की गरिमा गिरती है, सुषमा स्वराज जी ने कहा था हमारे वक्त में, और नरेंद्र मोदी ने कहा था दिल्ली में बैठी सरकार व रुपए में होड़ लगी हुई है, कौन कितना गिरता है।
आज ये इन्हीं के ऊपर आई हुई है कि जो रुपया है वो इंटरनेशनल मार्केट में रिकॉर्ड गिरावट पे है इनके राज में। नहीं, और इनको किसानों से क्या लेना है, इनको इनको तो अपनी गद्दी सुरक्षित रहना चाहिए। अपनी गद्दी को सुरक्षित करने के लिए पूरे देश को सड़कों में खड़ा कर दिया है, लेकिन और आज लोग इतनी जबरदस्त बेरोजगारी को महसूस कर रहे हैं कि देख लेना आने वाले वक्त में दुनिया के लोग आत्महत्याएं करेंगे। लेकिन कृष्णमूर्ति प्रदेश का के ये इसको ठीक करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। कृष्णमूर्ति जी, आज मोदी जी ने कर तो दिया है जी, लेकिन ये इसको ठीक कैसे करें, ये खुद घबराए हुए हैं, उनको खुद समझ नहीं आ रहा कि मैं करूं ठीक कैसे। तो इन्होंने देश का नाश करके रख दिया है। और ये जो ये प्रवक्ता बोल रहे हैं ना, लोग इनको चुन चुन के पकड़ेंगे, 2-15 दिन और ठहर जाओ, 15 दिन के बाद लोग सड़कों पे आ जाएंगे। कृष्णमूर्ति जी, आपसे सवाल जो आपने सवाल किया उसकी प्रतिक्रिया भी मैं आपसे लूंगा, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से पूरी तरह से भारत बंद बुलाया गया तो उसमें पूरी तरह से कांग्रेस को भी समर्थन नहीं मिला, तमाम विरोधी पार्टियों की तरफ से कोई समर्थन नहीं दिया गया, बात कीजिए आम जनता की तरफ से भी नोटबंदी का समर्थन किया गया। प्रतिक्रिया लूंगा तमाम मेहमानों से, फिलहाल रुकेंगे यहाँ पे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे इस बड़ी बहस में। स्मूथ ड्राइविंग के लिए पेश है एडवांस तकनीक से निर्मित एराबॉल लुब्रिकेंट्स, इंजन में ताकत लाए, माइलेज बढ़ाए। एराबॉल लुब्रिकेंट्स इंजन में भर दे दम। सांगवांस डिफेंस एकेडमी, एयरफोर्स और नेवी में भर्ती होने का सुनहरा मौका। अपना करियर नेवी, एयरफोर्स और आर्मी में देख रहे हैं। केवल नेवी, एयरफोर्स, आर्मी पर ही फोकस रखा जाता है, डिसिप्लिन को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है, जिससे इसकी अलग पहचान है। कोच द्वारा फिजिकल की तैयारी, यहाँ हॉस्टल और मेस की सुविधा भी उपलब्ध है। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। अब आपके शहर बहादुरगढ़ में JD सेलिब्रेशन बैंकवेट विथ लॉन, यहाँ आप कर सकते हैं कॉर्पोरेट फंक्शन से लेकर किटी पार्टी और शादी ब्याह तक, सभी तरह के प्रोग्राम्स के लिए बेहतरीन लॉन और हॉल, साथ ही रूम फैसिलिटीज भी अवेलेबल है, एकदम शुद्ध वातावरण के साथ, फुली AC और सभी के लिए पार्किंग लॉट, और वो भी बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस में। हमारा पता है दिल्ली रोहतक बाईपास के नजदीक झज्जर रोड बहादुरगढ़। गीता गूंजी सारी दुनिया में, कुरुक्षेत्र की धरती पे भाई लाग रहा समेला रे, धर्म युद्ध जित होया उड़े, खुशियां का फैला डेरा रे। गीता महाउत्सव के अवसर पे देश प्रदेशा के नर नारी, कलाकार और कामगार भाई जुड़री से जनता भारी। कुरुक्षेत्र में चलागे और ब्रह्म सरोवर नावागे, नाच नाटेर सेमिनार संग गीता भी सुन पावागे। गीता गूंजी सारी दुनिया में, गीता के संदेश पर चल के जीवन सफल बनाओ। 6 से 10 दिसंबर तक अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में सादर आमंत्रित है। हरियाणा के जन जन से मैं अपील करना चाहता हूँ कि जो अमर संदेश, आध्यात्मिक संदेश भगवान श्री कृष्ण ने इस धरा पर अर्जुन को दिया था, उसका प्रचार प्रसार हम सब दूर करें और इसको हर्ष उल्लास और श्रद्धा के साथ मनाएं। अब बहादुरगढ़ में सुपर स्पेशलिटी ब्रह्मशक्ति संजीवनी हॉस्पिटल, 10 सालों से इस इलाके की लोगों की सेवा हम कार्यरत हैं। कंप्लीट मेडिकल केयर एक ही छत के नीचे, झज्जर डिस्ट्रिक्ट की इकलौती कैथ लैब है, 24 आवर कार्डियोलॉजिस्ट की टीम, सभी सुपर स्पेशलिस्ट सर्जन, फिजिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक सर्जन, पीडियाट्रिशियन, 24 घंटे कैथ लैब, डायलिसिस, ब्लड बैंक, CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एडवांस पैथोलॉजी लैब, ENT एंड आई सर्जरी भी उपलब्ध है। हमारा पता है ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका बड़ी खबर में स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे किसानों के साथ जो धोखाधड़ी हो रही है बैंक में, साफ तौर पर कॉर्पोरेशन बैंक में, उसको लेकर हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं, इस चर्चा में शामिल हैं।
अतर सिंह संधू हमारे साथ प्रवक्ता हैं, भारतीय किसान यूनियन के हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही संजय शर्मा बीजेपी के प्रवक्ता फोन लाइन पर मौजूद हैं, कृष्णमूर्ति हुड्डा कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। कृष्णमूर्ति जी का रुख करना चाहूंगा। सबसे पहले कृष्णमूर्ति जी, आपकी प्रतिक्रिया आई थी कि बीजेपी ने बेड़ा गर्क कर दिया, लेकिन किसी ना किसी को तो कदम उठाना पड़ेगा ना कुछ परिवर्तन के लिए। परिवर्तन नहीं आता नजर आ रहा क्या कांग्रेस को? देखिए, परिवर्तन के लिए तैयारी करनी चाहिए थी पूरी, लोगों को मेंटली तैयार करना चाहिए था और उसके पूरे इंतजाम करने चाहिए थे। आज लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं है, 3 दिन बैंक बंद है, इसका घर पाड़ के लाए लोग, कहाँ से लाए अनाज, कहाँ से लाए, अपने बच्चों की फीस नहीं दी जा रही है, स्कूल में बच्चे जाते हैं माँ बाप से फीस मांगते हैं, उनके पास पैसा नहीं है। ये ऐसा नाश करके रख दिया, ऐसा भट्ठा बैठा दिया इन्होंने कि लोग इनको, हिंदुस्तान के लोग कभी, और बड़ा सब्ज बाग दिखा रहे हैं ये गरीबों के लिए, गरीबों को 1 रुपया नहीं मिलना क्योंकि सारा जो जिसको काला धन कहते थे वो सारा तो सफेद हो गया, कहां से काला धन आएगा। ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी की एक आदत है, वो पहले तो 15 लाख रुपए देने का उन्होंने वादा किया था, वो जुमला हो गया। अब इन्होंने कहा कि मैं गरीबों को करूंगा, ये करूंगा गरीबों को गुमराह कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये ठीक है गुमराह कर लेना, ये भी जुमला हो जाएगा, बिल्कुल ये बिल्कुल कुछ नहीं करेंगे और लोगों को कम से कम नहीं 6 महीने सड़क पे खड़ा कर देंगे, ये जी लोगों की हालत खराब हो जाएगी। ठीक है आपने कहा कि पूरी तरह केंद्र सरकार ने लोगों को सड़क पर खड़ा कर दिया, साफ तौर पर जनता परेशान है, भुखमरी की कगार पर आ गई है, लेकिन कहीं ना कहीं परिवर्तन की जरूरत है। केंद्र सरकार का ये कदम कांग्रेस के मुताबिक लाजमी नहीं है। प्रतिक्रिया ले लूं, बीजेपी के प्रवक्ता मेरे साथ संजय शर्मा जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। संजय जी, केंद्र सरकार का कदम पूरी तरह कांग्रेस के प्रवक्ता बेकार बता रहे हैं। कांग्रेस के लोगों ने जो देश का बेड़ा गर्क किया 60 साल में, उसका परिणाम अब भी सामने आ रहा है कि देश का उस समय का वायुसेना का जो प्रमुख है वो अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर्स के घोटाले में राजनेताओं के साथ मिली भगत करके उसने कमीशन खाई है, ये किसके राज में हुआ था? कांग्रेस के लोग भारतीय जनता पार्टी को नसीहत ना दें। भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है अभी भी कांग्रेस के ही घोटाले दिख रहे हैं, लेकिन इस सरकार का एक भी घोटाला नहीं हुआ। बेड़ा गर्क किसने किया इस देश का? तो ये जो बातें हुड्डा जी कर रहे हैं, कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, मैं इनका सम्मान करता हूँ, कांग्रेस के सम्माननीय नेता है, लेकिन कृपया झूठ ना बोले। झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है। कौन सा इस देश के अंदर ऐसी अकाल आ गया है कि लोग आज रोटी नहीं खा पा रहे? इस देश की जनता नरेंद्र मोदी के साथ है, इस देश की जनता देशभक्त है, क्योंकि नरेंद्र मोदी पार्टी को ऊपर नहीं समझते, दल को ऊपर नहीं समझते, देश को ऊपर समझते हैं। उन्होंने देश को बनाना है, ना कि अपने नेताओं के घर को भरना है जैसे कांग्रेस के लोग अपने नेताओं के घर को भरते थे। संजय जी, आपने कहा कि देश की जनता पूरी तरह केंद्र सरकार के साथ है, बीजेपी के साथ है, कांग्रेस आरोप लगा रही है, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि किसान कार्ड को लेकर कई तरीके की समस्याएं आ रही हैं। जब से लोकसभा में जीती है केंद्र की सरकार बनी है बीजेपी की, कई सवाल निकलकर यहाँ पर सामने आ रहे हैं। किसान कार्ड पर लोन दिया जाता है, लेकिन जो बीमा किश्त काटी जाती है उसका किसानों के पास कोई रिकॉर्ड नहीं होता। ऐसा क्यों करा जा रहा है केंद्र के शासन काल में? आखिरकार किसानों को पता होना चाहिए कि उनकी बीमा किश्त कितनी कट रही है, वो सरकार की तरफ से काट ली जाती है, क्या ये अव्यवस्था नहीं है? नहीं है, हमने अखबारों के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से सब जो किसान है उनको जागरूक किया है, जगह जगह होर्डिंग लगाकर प्रचार प्रसार के माध्यम से जागरूक किया है कि आपकी जो फसल आपने खेत में बोई है वो जाकर के आप उसकी गिरदावरी को बैंक के अंदर लिखवा करके आए, बैंक को बताएं कि मैंने खेत में कौन सी फसल को बोया है, ताकि बैंक उसी फसल के हिसाब से आपके खेत का बीमा करे, क्योंकि बैंक अपने पैसे को सुरक्षित रखना चाहता है। उसने अगर आपको लोन दिया है, अगर उसने आपकी लिमिट बनाई है, तो नेचुरली अगर आपके खेत में फसल पैदा होगी तभी तो वो आप लिमिट वापस कर पाओगे। अगर नहीं फसल, कोई नुकसान होता है किसी भी कारण से, कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है, तो बैंक तो चाहेगा कि उसका पैसा वापस हो, इसलिए आपके फसल का बीमा होना चाहिए। संजय जी संक्षेप में बीमा कराते हैं जी। संजय जी, संक्षेप में एक सवाल का जवाब चाहूंगा। बैंक कर्मचारियों पर साफ तौर से आरोप लग रहे हैं कि बैंक कर्मचारी पूरी तरह इस गोरख धंधे में लिप्त हैं और बैंक कर्मचारी ब्लैक मनी को व्हाइट करने में लगे हुए हैं। आखिरकार केंद्र सरकार की तरफ से क्या ठोस कदम उठाए जाएं जिससे कि आम जनता को तो परेशानी ना हो, क्योंकि नई करेंसी आती है और पुरानी करेंसी को बैंक कर्मचारी साफ तौर पर ब्लैक करने की जगह व्हाइट करते हैं उस पूरी मनी को? सौरभ जी, ये सरकार को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को पहले से ही पता था कि 90% इस देश के जो बैंकों के कर्मचारी ईमानदार हैं, लेकिन उन ईमानदारों में 10% काली भेदे भी हैं जो ऐसे लोगों के साथ मिल करके काले को सफेद करने का प्रयास करेंगी। हमने पहले से ही उस एग्जिट के रास्ते को बंद किया हुआ है। आप ये जो इनकम टैक्स के खाते देखते हो, सरकार की तरफ से जो योजना तरीके से बैंकों के ऊपर
जांच की जा रही है, ये पहले से योजना थी, ये पहले से ही तैयारी थी, ये पता था कि इस तरह से होगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया संजय शर्मा जी, कृष्णमूर्ति जी आपका हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। 10 सेकंड का समय मेरे पास है, अतर सिंह संधू जी कुछ बात कहना चाहते हैं आप 10 सेकंड में संक्षेप में रखिए। संजय जी, सरकार ने जो फसल बीमा योजना की जो स्कीम की है, 2015 में बीमा कंपनियों ने जो किसानों से जो जो किस्त भरी 1500 करोड़ रुपए जमा किए, 8500 करोड़ सब्सिडी की ओर पे आया, पूरी तरह सरकार ने जो बीमा पॉलिसी लागू की पूरी तरह से किसान विरोधी है। बीमा कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए एक योजना चलाई सरकार ने, 2016 में जो आंकड़ा मेरे पास है 1916 1900 1900 करोड़ रुपए बीमा कंपनियों को मिलेगा। ये सरकार बीमा पॉलिसी में सुधार लाए और किसानों के हित की बात करे, पूरी तरह से सरकार को सोचना चाहिए। किसान का किसान सुसाइड कर रहा है, चले किसान आत्महत्या कर रहा है, उसके बारे में सोचे सरकार। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अतर जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए, तमाम मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ा सवाल यहाँ पर यह है, बड़ी खबर यही है कि आखिरकार आज हमने इस मुद्दे पर चर्चा की कि किसानों के साथ समस्या हो रही है, कॉरपोरेशन बैंक पर करोड़ों के घोटाले का मामला सामने आया है, 450 करोड़ रुपए एक्सिस बैंक में भी काले धन को वाइट करने की कोशिश की गई, आखिरकार बैंक कर्मचारी मिली भगत से काले धन को सफेद करने की कोशिश कर रहे हैं, उधर किसानों को उनका हक नहीं मिल पा रहा, कॉरपोरेशन बैंक ने करोड़ों रुपए यानी कि लगभग 1,50,00,000 रुपए उनके किसान क्रेडिट कार्ड खाते से निकाल लिए, बैंक कर्मचारी भी पूरी तरह उनकी कार्यप्रणाली भी सवालों के घेरे में आ रही है। केंद्र सरकार हालांकि इसको लेकर संजीदगी दिखा रही है, लेकिन आम जन को जो समस्या हो रही है खासकर किसानों को, उनसे उन समस्याओं से कैसे निपटा जाएगा ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल बड़ी खबर में मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। I'm not going to